बाबू शाही देख रहे हो तुसीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च सैनेट की चोन नूं लै के पिछले कई दिनों तो स्टूडेंट्स जिहड़े ने ओह प्रोटेस्ट कर रहे ने वीसी ऑफिस के बाहर धरना लग्या होया जिहड़ा एक पक्के तौर पर प्रोटेस्ट साइट बनाई हुई है स्टूडेंट्स ने ते सैनेट जिहड़ी कि गवर्निंग बॉडी हैगी पंजाब यूनिवर्सिटी की ओहदे इलैक्शनस जिहड़े ने ओह पेंडिंग ने ते उहनूं लै के इन्हों का प्रोटेस्ट है की इन्हों मंगा ने ते की कारण है कि जिहड़ा लगातार इत्थे बैठे हुए ने स्टूडेंट्स नाल गलबात करके असीं जाण गए। 17 दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं सेनेट इलेक्शंस को लेकर एक अलग सा माहौल बना हुआ है, क्या कुछ रीजन है कि आप लोग लगातार जो है 17 दिन से यहाँ पे भी धरने पे बैठे और लगातार जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो इस देश में इसकी तरह का अनोखा है, इट्स वन ऑफ अ काइंड यूनिवर्सिटी। पर सेनेट पे हमला पहले भी एक बार किया गया है, इट्स अ प्रोसेस टू स्टॉप द डेमोक्रेसी इन दिस यूनिवर्सिटी। कोशिश ये करी जा रही है कि यहाँ से डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए। एक तानाशाही रवैया लेके आ रहे हैं सेंटर यहाँ पे, एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाने की बात की जा रही है जो सिर्फ एक जुमला है। तो जो वीसी चाहे या जो सेंटर सरकार चाहे वही यहाँ पे मसला वही यहाँ पे हल कर दें, वही यहाँ पे कर दें, इसी के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। जी, तो क्या लगता है आपको अथॉरिटीज से मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ कहना है उनका कि क्यों डिले है बेसिकली सेनेट इलेक्शन की डिले के लिए? ये रीज़न ये दे रहे हैं कि दे हैव रिटन टू द वाइस टू द चांसलर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट के लिए, पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी अपना अप्रूवल नहीं दिया है। पर जितनी सेनेट की गाइडलाइंस हैं पहले भी यही हुआ जाता था कि इंटीमेशन देना ज़रूरी है स्केड्यूल के, आपको अप्रूवल लेना नहीं है। मान लिया वाइस प्रेसिडेंट है, बिजी होंगे, देश के वाइस प्रेसिडेंट है, पर अप्रूवल नहीं है, आपको इंटीमेट करना है उनको कि ये हमारा स्केड्यूल है, आप हमें कंडक्ट करना दें, रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है तो वो सिंपली कंडक्ट कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ डिले टैक्टिक। तो क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि PU जो है वो हमेशा से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत इफेक्ट जो है इंटरनल जो चीज़ें चलती हैं यूनिवर्सिटी में उन पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या लगता है आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? जी, आगे अगर फैसला इन्होंने नहीं लिया, सेनेट इलेक्शंस नहीं कराए, तो प्रोटेस्ट विल बी रैम्प्ड अप, इसे आगे बढ़ाया जाएगा और डेफिनेटली सेनेट इलेक्शंस तो हम यहाँ पे करा के रहेंगे। रिफॉर्म्स की जड़ी मांग कर रहे हो, कड़ी रिफॉर्म्स चाहते हो? जी, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स चाहिए। जो यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये कि सेनेट में भी वी वांट अ मोर रिप्रेजेंटेटिव सेनेट। सेनेट में रिजर्वेशन चाहे अपॉइंटमेंट में हो, पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है, लीविंग असाइड एवरीथिंग एल्स, इज कि जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ पे कोई मुद्दा होता है यूनिवर्सिटी में, कोई बात उठाई जाती है, तो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ हम पहले जाते थे सेनेट में हमारी आवाज़ जाती थी। गर्ल्स हॉस्टल 24/7 हुए, दिक्कत हुई थी, सेनेट से फैसला आ गया, हो गया, अब हम कहाँ दिल्ली जाके धक्के खाएंगे UGC के बारे, यहाँ पे कुछ हो जाता है कहाँ जाएंगे बच्चे? तो आवाज़ की सुनवाई यहीं हो जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो जाए और बच्चों की आवाज़, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज़, फैकल्टी की आवाज़ एक बराबर सुनी जाए, यही यहाँ का स्ट्रक्चर है, यही मेंटेन करने की लड़ाई है। हाँ जी भाई, की नाम है थोड़ा? तो जरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी दिनों तो सैनेट की चोन लैके, तो की कहना चाहोगे? हाँ जी, सत श्रीकाल जी, मेरा नाम रिमलजोत सिंह है, तो जथेबंदी सत्थ वालों असीं तो 18 तरीक तो असीं इस प्रोटेस्ट पर बैठे हाँ। तो प्रोटेस्ट हैगा भी सैनेट दी इलैक्शनों लैके 31 अक्टूबर में जी मौजूदा सैनेट ही वह भंग हो चुकी है, उस तो अगली जी सैनेट का चुनाव जनवरी चौदह नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए ही, उन्होंने 10 महीने हो गए ने हजे तक नहीं निकलिया। इस तो बाद हम जी इस टाइम यूनिवर्सिटी डायरैक्ट सेंटर के कंट्रोल के अंडर है, क्योंकि वाइस चांसलर सेंटर वालों नोमीनेट हों, सो उस डिमांड करके असं बैठे हाँ, क्योंकि एको एक हिस्सेदारी जी पंजाब की सहिंग यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हैगी तो सैनेट के थ्रू आ, पंजाब के मतलब कि MP हो गए, पंजाब के CM हो गए, जो वालों नोमीनेटेड MLA जोड़े वो एक्सफिसो मैंबर ने इतने के, उस तो अलावा 14 मैंबर जोड़े आ पंजाब के ग्रैजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलैक्ट होकर आते जिन्होंने वोटों के थ्रू चुने जाता, उस तो अलावा पंजाब के कॉलेज के स्कूल के कॉलेज़ के प्रिंसीपल हो गए, टीचर वो मैंबर ने, सो जी जिनी भी मतलब सेइंग ही 200 जोड़े कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने जी वॉयस ही पंजाब की जी वॉयस ही सारी सैनेट के थ्रू ही इस टाइम टोटली खत्म आ।